दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 33x40 हाउस प्लान की। ये दोस्तों एक ऐसा प्लान है आप गांव या शहर कहीं पर भी बनवा सकते हैं। इसी प्लान को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका 2D+3D प्लान पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ ग्राउंड फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर मैंने तैयार करके रखा है। हमारे सब्सक्राइबर थे वो लगातार कमेंट कर रहे थे कि उनको एक ऐसा प्लान चाहिए जिसमें आगे पोर्च हो और उन्हें 3 से 4 बेडरूम की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस घर को मैंने प्लान किया है। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा, साथ साथ चैनल को अगर आपने अभी इस स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो पूरा डिटेल जानने के लिए हम आपको ले चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये दोस्तों प्लान है, इसका ग्राउंड फ्लोर आप देख रहे होंगे, ये पूरा ओवरऑल प्लान है। और यहाँ पर जो पोर्च का डिज़ाइन है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने प्लांटेशन किया है जिससे आपका घर और थोड़ा अच्छा लगे। और यहाँ पर 2 बेडरूम पे पूरा एक पोर्च डिज़ाइन है। और अगर हम बात करें विंडो की, तो यहाँ पर विंडो फ्रंट में दिया है और साइड में भी आप दे सकते हैं। अगर आपके चारों तरफ ज़मीन है आपकी जगह, तो आप साइड में भी विंडो दे सकते हैं। रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है कि आपके पास जगह कितनी है। तो बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका पूरा ग्राउंड फ्लोर है, जैसा कि आप देख रहे होंगे ग्रिल वगैरह। तो अगर जैसे आप मेन रोड से एंट्री करते हैं तो सबसे पीछे आपको 3 बेडरूम मिलते हैं। ये आपको एक गेस्ट रूम मिलता है, ये आपको लेट बाथ मिलता है, इधर आपकी स्टेयर्स और किचन, और ये आपका एक पूजा घर देखने को मिलता है। तो 4 बेडरूम, लेट बाथ, किचन, पूजा घर और स्टेयर्स, ये पूरा डिटेल यहाँ देखने को आपको मिल जाता है। बात करें फर्स्ट फ्लोर की, तो सिमिलर ही प्लान फर्स्ट फ्लोर पर भी डिज़ाइन किया है, कोई चेंजमेंट नहीं किया है। सिर्फ आपका 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल मैंने आगे क्रिएट कर रखा है। बिल्कुल सिमिलर प्लान है, कोई भी एक्स्ट्रा चेंजमेंट मैंने नहीं किया है। तो देख सकते हैं ये ग्रिल भी आप देख रहे होंगे कि एक के जो ग्रिल का नॉर्मल साइज होता है स्टील का ग्रिल मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और बेडरूम से चारों वही मिलेंगे, गेस्ट रूम भी वही मिलेगा। सिर्फ आगे का पोर्च का डिजाइन और आपका जो भी विंडो है उसे 3.5 फीट आगे मैंने ग्रिल बना रखी है, जो आपका ये घर को एक बेहतरीन सा लुक देता है। तो ओवरऑल 33 दोस्तों आपका जो फ्रंट एलिवेशन है ये, और 40 आपका ये विथ पोर्च, मतलब कि लगभग 10 फीट में पोर्च बना है, 30 फीट में आपके बेडरूम से चारों और लेट बाथ वगैरह बना हुआ है। लास्ट फ्लोर की बात करें तो आपको स्टेयर्स को ढकने के लिए मैंने यहाँ पर एक गुमटी बना रखी है और इस पर चारों तरफ से मैंने ग्रिल भी लगा रखी है। अगर आप इसके ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल जो स्टील का या आयरन का स्टेयर्स होते हैं जीने बनाए जाते हैं, उसे आप लगा कर आप जस्ट आप ऊपर जा सकते हैं अपने गुमटी के ऊपर। हालाँकि मैंने और सारी चीज़ें क्रिएट नहीं की हैं जिससे ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो और आपको कॉस्ट भी ज़्यादा ना लगे, इसलिए नॉर्मल सा प्लान है लेकिन बहुत ही खूबसूरत प्लान है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में बनवाते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन सा मॉडल ये होने वाला है। तो दोस्तों ये प्लान आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पेड सर्विस भी चलाता हूं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है, केवल कॉल उस पर नहीं लगेगा, आप व्हाट्सएप पर मुझे चैट करिएगा, इसके बाद मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान क्रिएट करता हूं। लेकिन 50% प्लान पेमेंट आपको पहले ही करना होता है, 50 बाद में करना होता है। पेमेंट करते समय विशेष ध्यान आपको ये रखना है, कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पर बिल्कुल कॉन्टैक्ट ना करें, जो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है वो उस पर ही कॉल करें और जब आपकी हमसे बात हो जाए तभी आप पेमेंट करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें। और अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।